and welcome to my channel Beauty Edit by Amy. If you're watching me for the first time, then please consider subscribing my channel so that you won't miss any update from my side. And let's talk about today's video. So 2023 has already arrived and so the new launches. In today's video, I'm going to talk about the newest launch of 2023, and it's from the brand Sugar Cosmetics, and they have launched their new lipstick formula, and it's nothing but the Mousse Muse Mask Proof Lip Cream. This is something very new in the market, and like we have conceptualized the lip cream and mostly ye bahar wale products mein available rehta hai, international brands mein available rehta hai. India mein inka itna zyada concept nahi hai, but Sugar has brought the newest formula of lip cream. So if you guys are interested to know more about this product, their pros and cons, and whether these are purchase worthy or not, then please keep on watching. Okay, so Sugar has launched their newest lip cream formula, and I have these four shades with me right here, which I'm going to swatch later in this video. But let me give you a little brief about what is lip cream actually, because Indian market mein ye products dekhne ko zyada nahi milte. I think ek ya do brands hi hai jinhone lip creams launch kiye hue hain. So lip cream is basically a moussey formula or a creamy formula. जो यू नो लिपस्टिक्स में आता है, लिक्विड लिपस्टिक्स में आता है, बट इफ़ यू गाइज हैव नोटिस लिक्विड लिपस्टिक बहुत थिन होता है, उनका फॉर्मूला बहुत थिन होता है. सो लिप क्रीम का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्रीमी होता है, लाइक अ बटरी क्रीमी फॉर्मूला, नॉट लाइक अ लिप ग्लॉस. बेसिकली लिक्विड लिपस्टिक और लिप ग्लॉस के बीच वाला फॉर्मूला होता है, और जैसे कि उसके नाम में ही है लिप क्रीम, तो बेसिकली इट्स अ क्रीमी फॉर्मूला विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल ऑन लिप्स, वेरी मॉइस्चराइजिंग. बट इट्स अ लिटिल ट्विस्ट हियर. शुगर ने बोला है दिस इज अ मास्क प्रूफ लिप क्रीम फॉर्मूला, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. आई हैव ऑलरेडी पुट वन शेड ऑन माई लिप्स, और मैं इसके स्वॉचेस भी अभी करने वाली हूँ. स्वॉचेस स्टार्ट करने से पहले मैं क्विकली आपको पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ. सो दे हैव अ नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग जैसे शुगर के प्रोडक्ट्स की होती है, शुगर की ब्रांडिंग की होती है, एंड इनसाइड दैट वी हैव दिस लाइक अ ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग फॉर दिस. एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइक इफ़ यू गाइज कैन सी इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एप्लीकेटर, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एप्लीकेटर फ्रॉम शुगर प्रोडक्ट्स. सो या दैट्स दैट. एंड इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने इनका नेम मेंशन किया हुआ है, एज यूजुअल शुगर का लोगो है, एंड दिस इज़ अ वेरी यू नो लक्स काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. ऐसा भी नहीं है कि कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, आपको यहाँ पे नीचे इसका कलर दिख जाएगा, सो यू कैन ईजिली पिक योर शेड. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इन टू द स्वॉचेस एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अबाउट द प्रोडक्ट एंड द प्रोज एंड कॉन्स. Talking about the formula, it's a nice moussey formula. अगर आपने मूज लिपस्टिक यूज़ किए हुए हैं, like a cream or I don't know,
जो मूजी फॉर्मूला होता है, वैसे मूजी फॉर्मूला है इसका, आराम से लिप्स पे अप्लाई हो जाता है, 1 or 2 स्वाइप मैक्सिमम लेता है फॉर लाइटर शेड। ये शेड के लिए मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ा, लाइक अदर 3 शेड्स रेड मरून एंड बर्गंडी, इसके लिए मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा ज़्यादा, वो आराम से अप्लाई हो गए इन 1 स्वाइप, दे गिव 1 स्वाइप पिगमेंटेशन। बट फॉर पर्टिकुलर दिस वन एंड आई थिंक इसमें और भी लाइटर शेड्स होंगे, तो उसके लिए मे बी आपको 1 से 2 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। Then it comes with 3 years of shelf life and the product will retail you for ₹599, which is almost like ₹600. But I believe the quantity is quite enough. इसकी quantity काफ़ी ज़्यादा है उनके liquid lipstick के comparison में, so that is a good point. जो भी इनके liquid lipsticks है, crayon lipsticks है ना, उसमें से मुझे ये इनका जो fragrance है वो बहुत अच्छा लगा। This is like a very nice floral lily kind of a fragrance. Exact मैं बताती हूँ आपको कि lily के flowers जैसे smell करते हैं ना, वैसे ये स्मेल कर रहा है। अगर आपको पता होगा, लाइक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, चंपा और चाफा, वैसे भी फ्लावर वो कैसे स्मेल करता है, उसके बहुत सिमिलर स्मेल कर रहा है ये। सो इट्स वेरी प्लीजिंग, बिल्कुल भी केमिकल स्मेल नहीं आ रहा है। सो इवन व्हेन यू अप्लाइंग इट एंड इट स्टेज देयर ना, तो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस वहाँ पर रह जाता है फॉर लाइक 4-5 मिनट्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लीजिंग लगता है व्हेन यू अप्लाइंग द लिपस्टिक। Now talking about some pros and cons, I list here some pros and cons on my left hand side. So the pro number one they have mentioned is a smooth application, and I'm completely agree with that. It glides like butter, basically it's a buttery formula, it's a mousy formula, so definitely it will give you a smooth application. Other than that, pro number two that these lip creams are transfer proof, waterproof, water resistant and obviously kiss proof. As you guys can see, these set into matte and see, there's no transfer, like zero transfer. No transfer at all. Then pro number three, these are long lasting because this formula sets into the matte and that's why you can now wear it up to 8 hours maximum. उसके बाद ये थोड़ा सा fade होना चालू हो जाएगा from inner corner of your lips and even from inner side of your lips, from upper side and lower side, it will start fading out. Then pro number 4 is the airy lightweight formula which comes in a mousy texture. This is very lightweight and very easy to apply. It glides on your lips like a butter and it's one of the best formula from Sugar I have tried till the date. Pro number 5, these mousse lip creams are completely vegan. They are cruelty free, sulfate, paraben and alcohol free as well. Pro number 6 is the shade range and they have launched like 8 shades as of now and all of them are suitable across all Indian skin tones. Talking about the pigmentation, like as you guys can see, the pigmentation is bomb. I really loved how it looks on your lips after just one application, like one stroke application. All of these lip creams are supremely pigmented. And pro number 7 is of course the fragrance of this product. I totally loved it. It's very mild and pleasing, so you will not feel like aap lips pe kya laga rahe ho, you know. So the fragrance wise, it's 10 on 10 product. So the con number 1 is the naming and the formula. I don't know, something is missing over here. When you when they are saying it's a lip cream, right? So what people think, even maine bhi pehle wahi socha, lip cream is basically like a mousy formula which is like, you know, very hydrating and not transfer proof and it will look like a lip cream. Like abhi maine laga ki kafi time ho gaya hai, but if you guys कोई सामने से देखता है तो दे विल से ओके, इट्स लाइक अ नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक. तो ये नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक जैसा दिखता है, जैसे शुगर की बाकी लिक्विड लिपस्टिक्स है. सो ये फॉर्मूला कहीं पे भी यू नो लिप क्रीम जैसा नहीं लग रहा है, क्रीमी नहीं लग रहा है, शाइनी नहीं लग रहा है. सो फॉर दोज पीपल हु आर अंडर द इंप्रेशन कि लिप क्रीम जैसा दिखेगा, यू नो, एकदम नाइस शाइनी दिखेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पसंद है राइट शाइनी लिप प्रोडक्ट यूज़ करना, बट दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस सेट्स इनटू कम्प्लीटली मैट फॉर्मूला एंड after some time you will just feel like you are applying a normal sugar liquid lipstick. Now con number 2, they have mentioned that this product is moisturizing, but somehow I felt it's not. थोड़े टाइम के बाद, लाइक जब मैं स्वॉचेस करेगी तब मुझे इतना समझ में नहीं आया, बट अभी इसको लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है एंड मैं थोड़ा सा क्लोजअप आती हूँ. यू गाइस कैन सी ये मेरे लिप्स के यू नो क्रैक्स में थोड़ा सा सेट हो गया है. सो लाइक इफ यू गाइस कैन सी it sets into the cracks, you know, it sets into those fine lines on my lips. So definitely थोड़ा सा drying है. और मैंने literally like swatches करने के पहले तो हम हमेशा lip balm लगाते हैं right? So मैंने lip balm लगाया है तभी ऐसा हुआ है. If I'm applying this on my bare lips, then definitely it's going to dry out so much. I don't know whether मैं इसी comparison smudge भी not के साथ कर सकती हूँ क्या नहीं, but this is definitely a drying formula. And I don't know, like this actually feels like a liquid lipstick once it's settled down. So yeah, that's
another con. And the third and last con about this product, because these are very pigmented, these are not easily removable. आपको मतलब makeup remover से normal micellar water से ये नहीं निकलेगा, आपको proper oil based micellar water से इसको निकालना पड़ेगा. And after some time अगर आप you know food वगैरह खाते हो और ये आपके inner corner से inner lip से निकलना चालू होता है, so if you guys can see it is forming a line. तो अगर आपको पसंद नहीं है यू नो ऐसे लाइन दिख के आएगा, अभी ये यहाँ पे है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो ये यहाँ तक आ जाएगी, सो इट विल फॉर्म अ लाइन अराउंड योर लिप्स. सो वो एक इसका कॉन है. अगर आपको ऐसे लिपस्टिक पसंद नहीं है, यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वन. सो दैट्स ऑल अबाउट माई ऑनेस्ट रिव्यू गाइज. दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू गाइज वॉन्ट टू बाई इट और नॉट. इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर मैं इसको एज अ लिप क्रीम बाय करना चाहूँ तो मैं इसको नहीं करूँगी. इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई अनदर लिक्विड लिपस्टिक जो ट्रांसफर प्रूफ है तो मैं डेफिनेटली इसको बाय करूँगी, बट फॉर लिप क्रीम मैं इसको बाय नहीं करूँगी. क्योंकि मेरे माइंड में जो लिप क्रीम का अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट इज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट विल स्टे ऑन योर लिप्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ एंड इट विल हाइड्रेट योर लिप्स थ्रू आउट द डे. मेरे माइंड में लिप क्रीम का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऐसा है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस इज जस्ट लाइक अनदर लिक्विड लिपस्टिक. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू सो, इफ यू फाइंड माई कॉन्टेंट रिलेटेबल टू वॉट यू सर्च ऑन यूट्यूब, देन प्लीज डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई शुड सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, watch my other videos. Take care and bye-bye.